हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। इस वीडियो में नॉर्मल सी आपको पहले तो ये बताऊंगा, सॉरी आज भी भूल गया मैं, एक्चुअली बहुत टॉन्ट सुनता हूँ इसके लिए। हैप्पी दिवाली आप सबको, नहीं तो बहुत कोई वीडियो देख रहे होंगे तो भी मेरे कलीग्स वगैरह भी देखते हैं, कभी कभी खोल लेते हैं तो सोचे कि इधर भी भूल गया। तो सबसे पहले हैप्पी दिवाली, और बाहर हूँ मैं तो अभी आवाज़ भी शायद आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। और नेक्स्ट ईयर आप लोग अपने ड्रीम कॉलेज में ही दिवाली मनाओगे, आज तक मैं कभी गलत नहीं हुआ हूँ। जितने भी वीडियोस बनाए, जो भी बोला बोल दिया कि ये आएगा तो वो आएगा और आया है, या पोस्टपोन कर सारा कुछ। बोल रहा हूँ आप अपने ड्रीम कॉलेज में हो गए तो आप हो गए, बस सिंपल सी बात है। 228% कन्फर्म है नेक्स्ट ईयर आप लोग अपने अपने ड्रीम कॉलेज में दिवाली सेलिब्रेट करोगे। बस पढ़ना ठीक से, उसके मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं। ये मेरा मेहनत प्लस आपका मेहनत, दोनों का मेहनत मिला करके रिजल्ट आएगा। तो पढ़ना, मैं देखो कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ नहीं, जो मन करता है वो बोल देता हूँ। बस वही बोलूँगा, रैंडमली आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना, कुछ कर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वजह चाहिए, और कुछ ना करने के लिए 1000 बहाने होते हैं, 1000000 बहाने होते हैं। सिमिलर आप जो पिक्चर देख रहे हो इस पिक में, अरविंद भैया, इनके पास 1000000 बहाने थे नीट को छोड़ देने के लिए, और सिर्फ एक वजह थी नीट को करने के लिए, और ये कर गए। जो ड्रॉप बोलते हो कि भैया इतना ड्रॉप है, 9th ड्रॉप, 4th ड्रॉप है, 3rd ड्रॉप है, 5th ड्रॉप है, क्या करे, लोग हमें तो पागल कह रहे हैं। तो यार सही बात है ना, लोग जब पागल कहने लगे ना तो समझो कि आप दुनिया से अलग हो, और आप कुछ लाइफ में बड़ा कर लोगे और कुछ अलग करोगे। और वही इन्होंने किया। इनका जो था ना, ये 9th अटेम्प्ट था, 2011 से लेकर के 2020 तक प्रिपेयर किए, एंड ही स्कोर समथिंग अराउंड 612 मार्क्स, एंड हिज रैंक इज समथिंग अराउंड 11623, समझे। इनके जो फ्रेंड्स फलाना ढिमकाना जो भी होंगे ना, सारे लाइफ में आगे बढ़ गए होंगे। जो लोग बढ़ ही गए होंगे यार, या तो नीट क्वालिफाई कर लिए होंगे या PMT, या तो आगे बढ़ गए होंगे, इंजीनियरिंग MSc BSc XYZ किए होंगे, तो वो लाइफ में आगे बढ़ गए, ये लाइफ में ऊपर चले गए, समझे। 9 साल बाद मिला, पर ये जब डॉक्टर बन जाएंगे ना सही तरीका से, अभी कहानी स्टार्ट हुआ, कहानी अगर खत्म सही तरीका से कर दिया ना इसने, अगर इन्होंने कहानी सही तरीका से ख़त्म कर दिया तो बता रहा हूँ, मेडिकल बहुत ही अलग प्रोफेशन है, ये दुनिया से हटके है। यहाँ पे AM हो, CM हो, DM हो, PM हो, KM हो, मिलना है, पेमेंट करो, लाइन लगाओ, आगे बढ़ो, समझे। मैं बहुत WHO जो पुराने हैं वो तो जानते हैं, जो पर्सनली मुझे जानते हैं उन्हें भी मालूम होगा, बट जो नए स्टूडेंट हैं, WHO से भी कनेक्टेड हूँ कुछ, एक आध डॉक्टर से के डॉक्टर हैं उनसे। तो अभी एम्स जो है, एम्स दिल्ली में 50 सीटें अभी खाली करके रखी गई हैं। 50 सीटें मतलब हॉस्पिटल की सीट्स। ये जो PM और जो भी बड़े बड़े लोग हैं, गवर्नमेंट के हैं तो इसलिए मैं बड़े लोग ही बोलूँगा इन्हें, जो बड़े बड़े लोग हैं तो इन लोगों के लिए 50 सीट्स खाली है। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों के लिए डॉक्टर खाली है, ना ना बिल्कुल ना। कॉल जाएगा, पर्सनली कॉल जाएगा, भाई साहब आप आ जाओ, प्रधानमंत्री साहब आए हुए हैं, ऐसा ऐसा कुछ है, अमित शाह भी गए थे, कोविड हो चुका था उन्हें, तो कॉल गया था, पर्सनली डॉक्टर्स को कॉल जाते हैं। तब डॉक्टर्स के लिए कार जाएंगे, कार पे बैठेंगे, आराम से जाएंगे, देखेंगे, ट्रीटमेंट जो होगा अपना करेंगे, जो भी प्रोटोकॉल वगैरह अपना आगे बढ़ेगा, और वैसे रहते हैं। ये है मेडिकल। मुझे एक बात बताओ, किसी MSc, किसी BSc, किसी मास्टर्स को, या किसी इंजीनियर को, किसी को भी ऐसा कॉल गया? नहीं गया, नहीं गया भाई। DRDO, ISRO सब देख रखा है मैंने, मेरे बहुत बताते रहता हूँ, भैया के फ्रेंड्स वगैरह सब हैं। Chandrayaan-2 फेल हो गया, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी कोई बात नहीं, अगले साल कर लेंगे। सिंपल सी एक बात बताओ ना, OT में अगर आप फेल कर गए, आप डॉक्टर बन जाते हो और OT में आप फेल कर गए, मालूम है क्या होगा, एक पूरी की पूरी फैमिली आप बर्बाद कर दोगे, समझे, एक पूरी की पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। ये है डॉक्टर, ये रियलिटी, इसलिए आपको टाइम लगता है, इसलिए आपको नीट निकालने के लिए बोला जाता,
इसलिए आपको बोलते हैं नीट क्वालिफाई करो, इसलिए बोलते हैं इतना प्रेशर लो, इसलिए बोलते हैं इतना इस लेवल पे आकर के झेलो, समझे। ये सारा कुछ देखना पड़ता, और इस चीज़ों से अगर आप नहीं गुजरोगे, आपको बहुत सिंपली सारा कुछ दे दिया जाए, आपको सीट दे दिया जाए, मैं 228% बोलता हूँ आप लोग नहीं हैंडल कर पाओगे, समझे। अब समझ में आया ना नीट क्यों लिया जाए। बात रही फेल कर जाने की, तो वो यार हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। मैं भी अभी बहुत दिनों से बिजी था, तो मैं भी एक एग्ज़ाम में फेल ही कर गया। तो 6 जने थे, 5 को स्कॉलरशिप मिला और मुझे नहीं मिला। आई एम द ओनली वन जो रिजेक्ट हो गया, सिंपल सी बात है। बट बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है कि अनलक्की था, ये था, वो था, पर गलती मेरी है यार, सिंपली गलती मेरी है, और इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी भी भागना नहीं चाहिए, समझे। अगर थोड़ा सा कुछ कर लिया रहता, डेविएट ना होता, अपने ट्रैक से इधर उधर होता ना, ट्रेन मतलब यहाँ से समझो ना, आपको जहाँ पे हो वहाँ से आपको दिल्ली जाना, अगर दिल्ली में हो तो समझो पंजाब जाना, तो वी हैव टू चूज़ द करेक्ट ट्रैक, समझे। ट्रेन का जो ट्रैक होता है वो सही ट्रैक लेना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी ट्रैक पकड़ लिए जाना है, दिल्ली पहुँच गए बनारस, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ट्रैक को अपना सही रखना चाहिए। अगर वो ट्रैक से भटकते हो, नीट हो भी गया और उस ट्रैक से अगर भटकते हो, तो आप कहानी ख़त्म है आपका भी। MBBS आधे से ज़्यादा यार रोड पे हैं, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि जब तक नीट PG नहीं होता ना, वो कर लेते हैं वो अलग बात है। ऐसा होता है बोलते हो कि डॉक्टर बहुत पैसा होता है, बहुत ही, बिकॉज कर लेते हैं यार, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा। बाकी जो ऐसे गए प्राइवेट कॉलेज में घूम फिर लिए हैं, 4 साल हवे हवे में निकाल लिए हैं, तो वो सब रोड पे ही हैं। वो सब कुछ रियलिटी बता रहा हूँ, बस नॉर्मल कुछ भी बोले जा रहा हूँ, ये रियलिटी है, नॉर्मल चीज़ें है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अंधाधुन बोल रहा हूँ, समझे। तो इसलिए 4 साल को ट्रैक पे होना पड़ता, और अभी भी अगर ट्रैक से चलोगे ना, ट्रैक से ना भटकोगे, तो नीट आपका होगा। किसी ने तो स्कोर किया है 720 में, 720 किया किसी ने स्कोर, तो वो कैसे किया। आपका नहीं आया तो आपका कुछ रीज़न रहा होगा, वो पढ़ लिया आप नहीं पढ़ पाए। मेरा नहीं हो पाया बिकॉज मुझे मालूम है क्यों नहीं हो पाया, समझे। आपको भी मालूम होगा। अब इसको लक, अनलक और फलाना ढिमकाना चीज़ों से जोड़ना, उसको कायरता कहते हैं। सिंपल एक वर्ड यही है। खुद को मैं कैसे समझाता हूँ, मैं ऐसे समझाता हूँ, आई नो आई एम द बेस्ट और दे ऑल्सो नो आई एम बेस्ट, समझे। ये थोड़ा खुद की बढ़ाई कर रहा हूँ, बट कभी किया रही हो, बट ये सही बात है। ये उन्हें भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, और मैं 5-6 महीने की बात है फिर दोबारा वीडियो शूट करूँगा और फिर से यही कहानी सुनाऊँगा, 5 गुना ज़्यादा उनसे बड़ा इंटरनेशनल। एक्चुअली ये सारा कुछ इंटरनेशनल ही है, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, थोड़ा बड़ा लेवल पे होता, तो उनसे ज़्यादा बड़ा 5 गुना बड़ा स्कॉलरशिप मैं लूँगा और गवर्नमेंट का लूँगा और फिर वीडियो शूट करूँगा, क्या बड़ी बात है, समझे। और बोला करो, कभी शर्माओ मत, कभी झिझको मत किसी चीज़ से। इंडिया में थोड़ा ये क्यों आप लोग झिझक जाते हो, नहीं बोल पाते हो, क्योंकि आपको खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं होता, समझे, कि मैं कर ही नहीं पाऊँगा। काम करो तो दिखाओ मत, बट बोला करो कि हाँ करूँगा, क्योंकि वो एक बार बोल दोगे ना तो वो रह जाता है दिमाग में कि यार इसको मैंने बोला था अगले साल कुछ करना, अगर नहीं कर पाए तो फिर ये टॉन्ट सुनाएगा 10-20, समझे। तो ऐसा रखो, क्लियर है। तो वो आपकी थोड़ी गलती होगी, उसे एक्सेप्ट करो। बात रहा नीट का कैसे क्या करना है, सारा कुछ मैं बोल देता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, नहीं आता है तो डिलीट कर दूँगा चैनल वगैरह, और वो आता है यार CBC टेस्ट मैंने दिखा दिया। मुझे यूट्यूब पे बताओ किसने CBC टेस्ट ब्लड रिपोर्ट उठा करके पढ़ाया, किसी ने नहीं पढ़ाया। अगर यूट्यूब पे आप दिखा देते हो तो मैं ये भी बोलता हूँ डिलीट कर दूँगा। और उस CBC टेस्ट 3-4 मिनट के वीडियोस में मैंने बोला कि ये 2020 में इओजेनोफिल्स पूछा जाएगा एलर्जी से क्वेश्चन, और 8 नंबर का क्वेश्चन आया था, एक तो मैच द फॉलोइंग करके 2 कॉपी पेस्ट आ गया, वो ऊपर से एलर्जी से क्वेश्चन पूछ दिया।
8 नंबर वहीं से बन गए, समझे। तो वो सब छोड़ दो, वो सब जितना मैं बोलता हूँ ना कर लिया करो। एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार मैं ऊटी गया, तो ऊटी में एक सर्जन थी, जान पहचान, मतलब बहुत कोई जानते, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उस डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में बहुत लोग जानने लगते आपको। तो फिर बोलते हैं, अभिषेक कहाँ था इतना देर तक, इतना दिनों से? तो फिर बोला कि हुबई में था। तो बोलती है, बेटा इट्स हिब्बी, हुबई नहीं बोलते। तो फिर मैंने उनसे बोला कि एक्चुअली सी इज़ कन्फ्यूज बिटवीन हुबई एंड हिब्बी। सो फिर मैंने उनसे बोला कि मैम हुबई है, HUBEI, बट वो हिब्बी हिब्बी कर रही थी। एक्चुअली हुबई और हिब्बी दो चीज़ें हैं, HUBEI और HEBEI, सिर्फ ई का डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस में वो कन्फ्यूज हो गई, आई थिंक नहीं मालूम होगा उन्हें हुबई तो हिब्बी हिब्बी। तो बोला ठीक है आप सही हो, क्योंकि वहाँ पेशेंट भी था। मैं तो करके चला जाता बट पेशेंट का किधर से क्या काटती वो वही उन्हें ही मालूम था। सन की होते आधे से ज़्यादा सर्जन, समझे। तो इसलिए छोड़ दिया। तो इसलिए कभी कभी लोगों की बातें सुन लेना चाहिए। तो इसलिए सिंपल सी एक वर्ड में बोलूँ, जितना मैं बोल रहा हूँ बस सुन लो। जितना बोलता हूँ ये क्वेश्चन आएगा ऐसे कर लो, रिजल्ट आएगा उसके बाद मुझे बोलो कि भैया आपने बोला था ऐसे करो, नहीं हुआ, तब मैं बताऊंगा ना आपको कि कहाँ से आया था, कहाँ से नहीं आया, कहाँ नहीं बोला। और नहीं आया होगा तो मैं लिख के देता हूँ, डिलीट कर दूंगा चैनल। इस साल मैं किसी का नाम नहीं लिया, बट बहुत आपके ही ग्रुप से बहुत स्टूडेंट ने बहुत अच्छा स्कोर किया। अगले साल नाम ले करके बताऊंगा मैं, समझे। और आपकी स्टोरी सुनाऊंगा कि ऐसे ऐसे थे, ऐसे ऐसे किए और आज मेडिकल कॉलेज में। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।